हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको एजुकेशनल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ब्लॉग वीडियो, टॉपिक स्टॉक, सक्सेस स्टोरी और बीएचयू पाठशाला पे अभी आपको कंटिन्यूअस बीएचयू के काउंसलिंग प्रोसीजर के ऊपर वीडियो आने शुरू हो गए हैं। ये वीडियो जो आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो ऑनलाइन प्रोसीजर कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है मैं आपको समझाऊंगा। डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, कौन कौन से एकदम इंपॉर्टेंट और कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन से ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है, ऑफलाइन के स्टूडेंट भी ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको ऑफलाइन कैसे आना है, क्या स्टेप्स है, कैसे फॉलो करना है, आपको पोर्टल पे जाके किन दिनों से आपको पोर्टल डेली वाइज आपको विजिट करनी चाहिए, आपका कोर्स लोकेशन कब आएगा, ये पूरा इन्फॉर्मेशन इस एक वीडियो में आपको दूंगा। ठीक है, एक भी डाउट क्लियर नहीं बचेगा, मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो देखने के बाद आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको लिख रखा हूं मिशन काउंसलिंग और ये यहाँ बात हो रही है बीएचयू काउंसलिंग का। सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपको काउंसलिंग पोर्टल डेली बेसिस पे विजिट करना है। क्या करना है आपको, काउंसलिंग पोर्टल डेली बेसिस पे विजिट करना है। काउंसलिंग पोर्टल आप जब जाओगे तो इस समय बीएचयू ऑनलाइन जब आप ओपन करते हो तो आप देखोगे कि बीएचयू ऑनलाइन पे एक नीचे आइकन बन गया होगा काउंसलिंग पोर्टल का। काउंसलिंग पोर्टल जब आप क्लिक करते हो तो आपको साइन इन करने का ऑप्शन आएगा। क्या करने का आएगा, साइन इन करने का ऑप्शन आएगा। साइन इन में आप ईमेल आईडी और पासवर्ड अपना डालोगे, क्या करोगे, साइन इन करोगे और उसमें ईमेल आईडी पासवर्ड डालोगे तो देखोगे कि आपको ऐसे ब्रैकेट बन के चार पांच ऑप्शन ऐसे खोल के आ जाएंगे, जिसमें किसी में कॉल लेटर, किसी में प्रेफरेंस एंट्री, ऐसे वगैरह कंटिन्यूअस लिखा रहता है। तो आप कॉल लेटर पे क्लिक कर दोगे। कॉल लेटर प्राप्त करने के तीन मेथड है, मैं आपको तीनों मेथड समझा देता हूं। एक तो आपके ईमेल पे जाएगा मैसेज, दूसरा है पोर्टल से जो मैं आपको समझा रहा हूं, और एक है मोबाइल पे आपको मैसेज जाएगा कि कॉल लेटर आपका इश्यू हो गया है। लेकिन आपको कौन सा कॉल लेटर कैरी करना है, तो आपको पोर्टल वाला कॉल लेटर कैरी करना है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन में। उसके बाद आपको प्रेफरेंस एंट्री और क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए आपको सेकंड आइकन पे जाना पड़ेगा। जैसे ही आप सेकंड आइकन पे प्रेफरेंस एंट्री फिलअप करने जाओगे, आपके पूरे कोर्स के कॉम्बिनेशन आपको दिए गए होंगे, चाहे यूजी चाहे पीजी के होंगे। ठीक है, आपको जो सब्जेक्ट पसंद है वो मैं वीडियो में बहुत सारे बता चुका हूं, खासकर बीए सोशल वालों के लिए, तो आप वहां जाके फॉलो कर सकते हो। और बाकी लोग अपने एक्सपीरियंस, अपने टीचर्स, अपने गार्जियंस के बेसिस पे, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे आप प्रेफरेंस एंट्री फिलअप कर सकते हो। तो दोस्तों प्रेफरेंस एंट्री फिलअप करने के बाद आप देखोगे कि क्वालिफाइंग मार्क्स आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन है क्वालिफाइंग मार्क्स में क्या भरें। तो क्वालिफाइंग मार्क्स में ऐसे ब्रैकेट बना रहता है जिसमें आप भरोगे अपना 10+2 का नंबर। ये ध्यान देना, ये यूजी स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूं। किसको बता रहा हूं, यूजी स्टूडेंट्स को बता रहा हूं। आप अपना 10+2 का मार्क्स भरोगे, वो भी डेसिमल 2 पॉइंट तक। सपोज किसी लड़के का परसेंटेज है 73.54, तो वो अपना पूरा इतना भरेगा, 73.54.2 तक भरेगा इसमें। और जो पीजी स्टूडेंट्स है वो अपने सेमेस्टर का मार्क्स इसमें फिलअप करेंगे, पूरे साल अगर कंप्लीट कर चुके हैं तो पूरे साल का, और जितने सेमेस्टर अभी उनका हुआ है तो उतने साल के रिजल्ट को अपना सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करके 0.2 तक यहां पे फिलअप करेंगे। जैसे ही फिलअप हो जाता है, ध्यान रखना ये बाद में एडिट नहीं होता है, इसलिए यहां पे ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद आप देखोगे कि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको जैसे भी आप क्लिक करके डायरेक्टली इसको अपलोड कर सकते हो। तो आपको अपने 10+2 के मार्कशीट को यहां पर डालना रहता है, और ध्यान दीजिएगा कि ये आपके डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करता है, दसवीं का मार्कशीट जो। लेकिन आपके पास अगर दसवीं का किसी रीजन से नहीं है प्रेजेंट टाइम में, तो आप डीओबी वेरिफिकेशन के लिए कोई और भी सर्टिफिकेट यहां पर लगा सकते हो। और आपको इंटरमीडिएट 10+2 फॉर यूजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पीजी स्टूडेंट है तो वो अपने ग्रेजुएशन का यहाँ पे मार्कशीट अपना अपलोड करेगा। देखिए मैंने लिख रखा है पीजी कोर्स के लिए मार्कशीट, वो अपने ग्रेजुएशन का अपलोड करेगा। कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कास्ट से आपको रिजर्वेशन मिलेगा और इनकम से भी आपको बेनिफिट मिलता है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक अभी मेरे डोमेसाइल नहीं है, निवास वाला, वो भी यहाँ पे आप मेंशन करोगे, क्योंकि उससे आपको हॉस्टल का मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसी से वो लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो लोग फॉर्म भरते वक्त ईडब्ल्यूएस क्लिक
या टिक किए थे वही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहां लगा सकते हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि अब यहां से कोई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा सकता है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं जो लोग ईडब्ल्यूएस फॉर्म क्लिक किए थे। पीडब्ल्यूडी जो होता है, पीएच स्टूडेंट जो होते हैं वो सीएमओ से अपना साइन वाला सर्टिफिकेट होता है वो लगाएंगे, और उसके साथ साथ वो लोग का यहां पे भी वेरीफाई होगा, ये बात ध्यान रखना। बीएचयू कॉलेज सर्टिफिकेट पर आईपी में बता दूं कि बहुत सारे ऐसे पीजी स्टूडेंट्स होंगे जो बीएचयू में ऑलरेडी पढ़ के वो आगे किसी मास्टर डिग्री वगैरह में गए होंगे, ठीक है, मन यूजी कोर्स बीएचयू से किए होंगे, तो वो लोग को 10% रिजर्वेशन मिलता है, आप सभी लोग को पता है। तो बीएचयू स्टूडेंट अगर पीजी कोर्स में जाता है या बीएचयू का किसी कोर्स में बीएचयू का स्टूडेंट जाता है तो वो अपना बीएचयू वाला सर्टिफिकेट लगाएंगे जिससे उनको रिजर्वेशन मिल सके, ये उसका मतलब यही है। फिर उसके बाद इंप्लॉई वार्ड का जो बीएचयू का लड़का है वो अपना इंप्लॉई वार्ड सर्टिफिकेट लगाएगा। उसके साथ साथ लास्ट में आपका है एनेक्सर 10 डिक्लेरेशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, ये फॉर्म आपको फिलअप करके अपलोड करना है क्योंकि ये फॉर्म आपको वेरीफाई, आपको एक तरह से आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है कि मैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर काउंसलिंग पोर्टल फिलअप कर रहा हूं और ये पूरी मेरी जिम्मेदारी है, तो ये आपसे फिलअप करवाया जाएगा। ये इतनी सारी सारी चीजें हो गई। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स मैंने यहां पे लिख रखे हैं, जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, एंटी रैगिंग कैरेक्टर और डोजियर, ये आपके पूरे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है। ये आप अगर अभी नहीं है तो आप इसको नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है, आपको एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा और ये आप बाद में फिलअप कर सकते हो, बाद में ये अपलोड कर सकते हो, बाद में आप इसको डायरेक्टली ऑफिस में जमा कर सकते हो। हम लोग के टाइम पे भी 1-2 महीने की टाइम दी गई थी। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उसके नीचे आप देखोगे प्रोसीड का बटन होगा, प्रोसीड बटन तभी क्लिक होगा जब आपके पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए होंगे, और जैसे आप प्रोसीड करोगे आपको एक प्रिंट आउट के लिए स्लिप बन के आपके डैशबोर्ड पे आ जाएगी, आप उसको प्रिंट आउट करके और पीडीएफ फॉर्म में सेव करके अपने मोबाइल और हार्ड कॉपी में रख लोगे, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आइकन आपका ध्यान देना है, वो है डेली बेसिस पे, आज है 10-10-2020, 10 अक्टूबर है, याद एक बहुत ही यूनिक डे है। मैं आपको बता दूं कि आज से डेली बेसिस पे पोर्टल चेक करना मस्ट हो जाता है एवरीवन, चाहे वो यूजी का हो चाहे पीजी का हो। वैसे तो यूजी में अभी टाइम है, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप लोग आज से ही अपने पोर्टल को अपने सपने की तरह डेली जाके देखो, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसीजर फॉलो करने के लिए पोर्टल ही सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। वहां पे ही आपको सब पता चलेगा कि आपको क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है, आपको कौन सा कोर्स मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे पे करना है, बाकी चीजें आपको चैनल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन सबसे मस्ट है कि आपके पास आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड है, आप उससे अपने पोर्टल पे ओपन करके आप अपना पोर्टल डेली बेसिस पे काउंसलिंग पोर्टल चेक करोगे। ये मैं आपको एकदम एक सबसे इंपॉर्टेंट काम कर दे रहा हूं जो कि आपको करना है। इसमें जो भी प्रॉब्लम इसके बाद आपके दिमाग में है आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन दोस्तों एक बात एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि काउंसलिंग में लापरवाही नहीं चलेगी। और दूसरी चीज, बीएचयू पाठशाला टॉपर्स मीटअप कराने जा रहा है जो कि बीएचयू कैंपस में होगा। जो लोग भी टॉपर्स मीटअप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो मेरे नंबर 9519383272 9519383272 जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में गिवेन है वो अपना नाम मेरे यहां डायरी में नोट करा लें। हम लोग टॉपर्स मीटअप कराएंगे और ये बड़ा ही ऐतिहासिक और बड़ा ही एडवेंचरस डे हमारे लिए होने वाला है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप लोगों को दोगे और बहुत सारे लोग आपसे बहुत सीखेंगे जिसमें ऑलरेडी मैक्सिमम टॉपर बीएचयू पाठशाला पे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और लोग जो जुड़ना चाहें उनके लिए खुला प्लेटफॉर्म है, वो बीएचयू पाठशाला से जुड़ के अपना सहयोग दे सकते हैं। मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, काउंसलिंग पोर्टल डेली बेसिस पे आपको चेक करना है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होता है मैं ऑफिस जाके पता करके बताऊंगा, बस आप मुझे इन्फॉर्म करना कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। डन, अच्छे से माइंड, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।